ओके तो नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पाठशाला रेलवे एग्जाम। कैसे भाई सब लोग? मेरे भाई, आप लोगों को पता है कि एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी करने वाले जितने भी बच्चे हैं उन सब के लिए ये सब्जेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि ये सब्जेक्ट आपके सीवीटी 2 में पूछा जाएगा और सीवीटी 2 के 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन का मात्र और मात्र बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग पूछा जाएगा। मैं आप लोग को आज बेसिक साइंस का एक ऐसे चैप्टर से मिलाना चाह रहा हूं जो पिछली बार भर के पूछा गया, और मुद्दे की बात यह है कि इससे बहुत अच्छे अच्छे सवाल भी बनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल भी बनते हैं। लेकिन आपने जहां कहीं से भी अभी लीवर पढ़ा होगा, मैं दावा करता हूं कि आपने वो कॉन्सेप्ट, वो कैसे तो न्यूमेरिकल डेफिनेटली छोड़ दिया होगा। पहले मैं आप लोगों को लीवर से वो क्वेश्चन दिखाना चाहता हूं कि कैसे कैसे सवाल लीवर से बनाए जाते हैं, ना बनते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर पूछे गए। अब आप ये देख लीजिए, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, ये उत्तोलक का एक सवाल है हरा मेरे भाई। उत्तोलक का इस तरह से बड़ी बड़ी लैंग्वेज में भी सवाल आते हैं। ये देखिए, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक के बारे में पूछा जा रहा है। अरे बहुत सारे बच्चों को लगता है कि उत्तोलक से न्यूमेरिकल नहीं बनते। आपको मैं बता दूं, ये जो आप न्यूमेरिकल देख पा रहे हो ये मीटर स्केल का न्यूमेरिकल है, और मेरे भाई ये भी हमारे लीवर से बनता है। आप देखो इस तरह से जितने भी हमारे क्वेश्चन है, आप जैसे कि ये वाला सवाल देखिए, आपने जहां कहीं से भी लीवर पढ़ा होगा मेरे भाई, ये वाला जो सवाल है ये मीटर स्केल का है। मैं वादा करता हूं कि आज के बाद आपके कभी ऐसे सवाल कभी गलत नहीं होने, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको आज देने वाला हूं, पूरा लीवर खत्म करने वाला हूं। आप सवाल देखिए, मेरे कहने का मतलब यह है कि आप लोग के एग्जाम में लेवल ठीक ठाक पूछा जाता है लीवर से। लीवर से क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं, न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल के साथ जो है हर तरह के क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो आज आपकी क्लास जो है वो पूरी तरह से लीवर की होने वाली है, और मैं फिर बता दूं, आज आप जो है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़िएगा, लगभग पूरा का पूरा लीवर मैं आज ही के वीडियो में आपका समाप्त कर दूंगा, ठीक है। एक्चुअली में ये तरह का डेमो भी है हमारी क्लास के लिए, तो आप इसको कंप्लीट देखिए। चलो भाई स्टार्ट करें, एक बार थम्स अप करके बताइए स्टार्ट करें, सब लोग रेडी है। और जब बहुत सारे बच्चों के मन में आता है कि सीबीटी 1 की तैयारी करें कि सीबीटी 2 की, मेरे भाई आप लोग तो दोनों ही तैयारी करनी होगी। एक्चुअली में ऐसा पता क्यों है, क्योंकि सीबीटी 1 का एग्जाम जून से अगस्त के बीच है, और उसके ठीक एक महीने बाद मेरे भाई सीबीटी 2 का एग्जाम हो जाएगा, यानी सितंबर में ही सीबीटी 2 का एग्जाम है। सिर्फ एक महीने का समय है, और उसी एक महीने में आपको क्या बेसिक साइंस पूरा तैयार हो जाएगा? नहीं, बेसिक साइंस 50 नंबर का आना है। अरे और एक महीने इसको तैयार करने के लिए पर्याप्त नहीं है, ठीक है। तो आप लोग अगर हिंदी मीडियम से, इंग्लिश मीडियम से, मेरे भाई आप इस लेक्चर को पूरा देखिए, मैं आपको पूरा का पूरा लीवर आपको खत्म करने वाला हूं। चलो स्टार्ट करें, पूरा थ्योरी बताऊंगा, हर एक चीज बताऊंगा। यस वेरी गुड सेनापति योगेश, स्टार्ट किया जाए। चलो तो बच्चों सबसे पहले आप समझो कि लीवर होता क्या है, उत्तोलक होता क्या है। तो जब भी कभी मैं कहता हूं उत्तोलक क्या है, हरा, तो कह देना उत्तोलक किसी तरह की रॉड हो सकती है। आप देखो उत्तोलक किसी तरह की क्या हो सकती है मेरे भाई, रॉड हो सकती है। अब ये रॉड जो है ना कई बार सीधी भी होती है और कई बार इस तरह से कर्व में भी होती है, है ना। उत्तोलक किसी तरह की रॉड हो सकती है, वो कई बार सीधी भी हो सकती है, कई बार कर्व भी हो सकती है। लेकिन इसका मेन यूज क्या है, तो कह देना उत्तोलक का मेन यूज होता है प्रयास लगाकर भार उठाने में। ओके, तो ध्यान रखना जब भी कभी उत्तोलक का मेन यूज पूछा जाए कि उत्तोलक का मेन यूज क्या है, तो आप बिल्कुल बेहिचक बोलिएगा कि प्रयास लगाकर, सर प्रयास लगाकर भार उठाने में, प्रयास लगाकर भार उठाने में यह मेन उत्तोलक का इस्तेमाल होता है। उत्तोलक के एग्जाम्पल बहुत ज्यादा है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि ये है एक तरफ हाथी बैठा है, एक तरफ चूहा। देखिए इसे बोलते हैं एक पहिए वाली गाड़ी। आपके एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाएंगे कि एक पहिए वाली गाड़ी बताइए कौन सा उत्तोलक है, ये सीसा झूला कौन सा उत्तोलक है, ये सब मैं आपको पहचानना सिखा दूंगा। चलो लेक्चर की आप शुरुआत यहां से करते हैं, अब यहां से भाई कॉन्सेप्ट शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, डेफिनेशन परिभाषा सब कुछ एक साथ मैं आपको पढ़ाऊंगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं लीवर की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है। तो कह रहा कोई लीवर एक सीधी अथवा वक्राकार छड़ होती है, कोई लीवर एक सीधी या वक्राकार छड़ होती है मेरे भाई, जो एक स्थिर बिंदु के परिता घूम सकती है, जो एक स्थिर बिंदु के परिता घूम सकती है। और लीवर का प्रयोग कोई बल लगाकर किसी बोझ को उठाने, यहां बोझ का मतलब क्या है,
सर यहां बोझ का मतलब है भार। तो लीवर का जो मेन यूज होता है ना वो होता है प्रयास लगाकर कोई भार उठाने के लिए किया जाता है। तो लीवर एक तरह की छड़ होती है ना, जिसका उपयोग प्रयास लगाकर भार उठाने में करते हैं। ठीक है, अब लीवर के बारे में कुछ बेसिक बातें आपको समझनी होगी कि लीवर कितने तरह के होते हैं। मेरे भाई याद रखना, लीवर तीन तरह के होते हैं। सर लीवर तीन तरह के लीवर होते हैं। सबसे पहला लीवर होता है फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर, यह हमारा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है। और याद रखना दूसरा होता है सेकेंड काइंड ऑफ लीवर। और मेरे भाई तीसरा जो लीवर होता है सर उसको बोलते हैं हम लोग थर्ड काइंड ऑफ लीवर। तो तीन तरह के लीवर के एग्जाम्पल होते हैं फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर, सेकेंड काइंड ऑफ लीवर और थर्ड काइंड ऑफ लीवर। लीवर क्या है? तो कहना लीवर एक तरह की छड़ है बच्चों। इस छड़ को हम किसी स्थिर बिंदु के परिता घुमा भी सकते हैं। अरे जैसे कि मान लीजिए इस छड़ का मैंने स्थिर बिंदु ये बनाया, ये ओके। तो अगर छड़ का स्थिर बिंदु ये बनाया है तो जो स्थिर बिंदु होता है बच्चों उस स्थिर बिंदु को धार रखना हम किस नाम से जानते हैं? आलंब के नाम से जानते हैं, आलंब। इसी को इंग्लिश में बताइए क्या नाम से जाना जाता है? सर इसी को इंग्लिश में बोलते हैं फलक्रम। क्या बोलते हैं? फलक्रम, आलंब, है ना। अब आगे आइए सर, आलंब हमारा हो गया, फलक्रम ये हो गया। अब इसके एक सिरे पर हमें क्या लगाना होगा? सर इसके एक सिरे पर हमें लोड, है ना। मान लीजिए इसके एक सिरे पर हमने कोई भार रखा। सर इसके एक सिरे पर हमने ये भार रखा, ये देखिए भार रखा। अब इस भार को उठाने के लिए सर, इस भार को उठाने के लिए, क्योंकि भार तो नीचे की ओर काम करता है, तो इस भार को उठाने के लिए हमें दूसरी तरफ क्या लगाना होगा? सर हमें दूसरी तरफ लगाना होगा प्रयास, पी। तो लीवर पूछ रही है, लीवर एक छड़ होती है जिसमें एक स्थिर बिंदु होता है जिसको हम आलंब कहते हैं। एक तरफ हमारा भार रखा होगा और दूसरी तरफ कह सकते हमें प्रयास लगाना होगा। ठीक है, अब एक छोटी सी डेफिनेशन सुनिए बच्चों। जो पॉइंट हमारा आलंब होता है ना, जो पॉइंट आलंब होता है, याद रखना आलंब वाला जो पॉइंट है उसको किस नाम से जानना है? हमेशा उसको ए सी नाम दोला चाहिए। क्या? सी। जहां पर आलंब होता है वह पॉइंट हमेशा सी होगा। जहां पर प्रयास लगाया जाता है मेरे भाई उस पॉइंट को हमेशा ए कहना। क्या कहना? ए। ये एकदम स्टैंडर्ड है। और बच्चों जहां पर लोड होगा ध्यान रखना वो पॉइंट हमारा कहलाएगा बी, है ना। फिर से सुन लीजिए, एक एक करके पॉइंट सुनिए। आलंब वाला पॉइंट सी, प्रयास वाला पॉइंट ए, लोड वाला पॉइंट बी। अब यहां पर एक डेफिनेशन आती है बच्चों। डेफिनेशन बोलते हैं कि प्रयास और आलंब के बीच की दूरी। सर प्रयास और आलंब के बीच की दूरी बताइए क्या कहलाती है? तो आलंब से प्रयास के बीच की दूरी तो बोलते हैं हम लोग प्रयास भुजा, है ना। आलंब से प्रयास के बीच की दूरी तो बोला जाता है प्रयास भुजा। नोट डाउन करते रहना सब लोग, एक एक पॉइंट बताऊंगा। और आलंब से भार, सर आलंब से भार के बीच की दूरी तो, आलंब से भार के बीच की दूरी तो डायरेक्ट ये दूरी तो बोला जाता है भार भुजा, भार भुजा। इंग्लिश में चाहो तो इंग्लिश में भी नोट डाउन कर लो। प्रयास भुजा तो बोलते हैं हम लोग हिंदी इंग्लिश में इफर्ट आर्म। क्या बोला जाएगा? इफर्ट आर्म। और भार भुजा तो बताइए हम क्या नाम से जाना जाता है? सर इसको बोला जाता है लोड आर्म, लोड आर्म। अब आप ये बताओ यहां पर कुछ जो टर्म मैंने आपको डिफाइन किए वो सबको क्लियर हुए नहीं? क्लियर हुए, है ना। बोलो भाई बात सबको क्लियर है ना। तो प्रयास भुजा एसी हो गया, मैंने कहा वेरी गुड एसी। अब भार भुजा कितनी हो गया? सर भार भुजा हो गया तुम्हारा बीसी, भार भुजा हमारा बीसी हो गया। यहां तक बात सबको क्लियर है? एक बार कमेंट करके बताओ, थम्स अप करके बताओ जल्दी फटाफट। तो लीवर क्या है? लीवर एक तरह की छड़ है जिसका उपयोग बल लगाकर या प्रयास लगाकर भार उठाने में करते हैं। इसमें प्रयास भुजा होती है, भार भुजा होती है, हर एक चीज होती है बच्चों। अब ना इससे रिलेटेड कुछ पैरामीटर्स आपको समझने होंगे बच्चों, ध्यान से सुनिए ना जो मैं आपको बता रहा हूं। अब आपके दो पैरामीटर आते हैं। सबसे पहला पैरामीटर होता है जिसको बोलते हैं हम लोग यांत्रिक लाभ। क्या होता है? यांत्रिक लाभ। याद रखना इसको इंग्लिश में बोला जाता है मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है मेरे भाई, है ना।
किसी भी लीवर को समझने के लिए मैकेनिकल एडवांटेज वेरी इंपॉर्टेंट, इससे अंदर गहराई में क्वेश्चन बनेगा। और दूसरा जो होता है बच्चों उसको बोलते हैं हम लोग वेग अनुपात, वेग अनुपात। और याद रखना वेग अनुपात को इंग्लिश में किस नाम से जाना जाता है, वेलोसिटी रेशियो के नाम से, वेलोसिटी रेशियो के नाम से। ठीक है चलो अब मैं आपको दोबारा से समझाता हूं, दोबारा से मैंने क्या डायग्राम बनाया, मैंने आपको कहा मान लीजिए ये लीवर है, तो मेरे भाई लीवर का ये क्या हो गया, सर लीवर का ये हो गया फलक्रम, हो गया फलक्रम। चलो बताइए यहां पर मान लीजिए हमारा ये लोड काम कर रहा है, लोड W ऐसे हरा, तो बताइए ये लोड नीचे की ओर, लोड हमेशा नीचे की ओर काम करता है, तो इसको उठाने के लिए, इसको उठाने के लिए प्रयास भी हमें नीचे की ओर ही लगाना पड़ेगा। धीरे देखिए हमने नीचे की ओर प्रयास P लगा दिया। चलो पॉइंट फिर से बताइए जरा, यहां पॉइंट हमारा क्या माना गया था, सी, जहां पर प्रयास लगाया जाता है वो पॉइंट ए, और जहां पर भार होता है वो पॉइंट हमारा क्या होता है, बी होता है। चलिए बताइए यहां तक बात सबको क्लियर है। अब मैं आप लोगों को एक दो चीजें सिखा रहा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि लीवर किस सिद्धांत पे काम करता है, तो याद रखना लीवर काम करता है आघूर्णों के सिद्धांत पर, आघूर्णों के सिद्धांत पर। आप इसे चाहे तो बोल सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। सर आघूर्णों का सिद्धांत क्या होता है, अब आघूर्णों का सिद्धांत समझो क्या है बच्चों। आघूर्ण जब भी कभी आपसे बोला जाए कि सर आघूर्ण की परिभाषा बताइए जिसको आप बोलते हैं मोमेंट, हरा, तो मोमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है बल इंटू आलंब से बल की दूरी, बल इंटू आलंब से बल की दूरी, सर ये हमारे आघूर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है चलो चलो अब बताइए एक दो चीज आप सिखाऊंगा, आप थोड़ा कमेंट भी आपको करना है, ध्यान सुनिए। आलंब में हमारा स्थिर बिंदु है, आलंब हमारा स्थिर बिंदु है, और मैं आप लोगों को बताऊं अगर भार, ध्यान से सुनिए, भार नीचे की ओर लगाए तो तुम्हें यह बताना होगा कि आघूर्ण तुम्हारा क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज। तो कैसे पता करते क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो आपको आलंब में अपना प्रताल, प्रताल समझते हो ना, कंपास है, कंपास की नोट आलंब में रखिए और बच्चों डब्ल्यू की दिशा में या भार की दिशा में घुमा दीजिए, ऐसे ऐसे देखिए बच्चों जैसे घुमाएंगे तो आप मुझे बताइए ये कैसा घूमेगा, तो कहना ये क्लॉकवाइज घूमेगा, अरे बोलो क्लॉकवाइज घूमेगा नहीं घूमेगा। ठीक है समझ में आ गया, तो मेरे भाई ये जो मूवमेंट दे रहा ना डब्ल्यू वो क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहा, क्लॉकवाइज। चलिए ठीक उसी तरह से बताइए प्रयास कैसा मूवमेंट दे रहा, तो आप प्रताल को देखा जैसे प्रताल में ऐसे रक्टर वृत्त बनाते हैं ऐसे, हरा, सेम उसी तरह से आपको करना क्या है, यहां अपना प्रताल की नोट रखिए और प्रयास की दिशा में घुमा दीजिए, ऐसे ऐसे घुमा दिया, तो जैसे ही आप घुमाओगे मेरे भाई तो आप मुझे बताइए ये कैसा मूवमेंट होगा, ये मूवमेंट हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है चलो इंग्लिश वर्जन भी बुक बहुत जल्दी आएगी, इंडियन रेलवे बहुत जल्दी आएगी। चलिए मूवमेंट का फॉर्मूला बताइए, तो मूवमेंट का फॉर्मूला होता है सर बल इंटू दूरी, तो बल ये जो बीच वाला बिंदु है फलक्रम, फलक्रम से इंच की दूरी हो जाएगी बीसी, ये मूवमेंट हो जाएगा डब्ल्यू इंटू बीसी। चलिए ये वाला मूवमेंट बताइए, ये वाला मूवमेंट हो जाएगा बल पी, और इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी एसी, हरा, तो हमने कुछ नहीं किया, हमने एक तरफ क्लॉकवाइज वाला मूवमेंट ले लिया, एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज वाला मूवमेंट ले लिया, और जैसे ही दोनों को बराबर करेंगे तो देखिए यहां पर हमारा डब्ल्यू इंटू बीसी, हरा, और ये वाला एंटी क्लॉकवाइज वाला मूवमेंट पी इंटू एसी, पी इंटू एसी कर सकते। अब आप जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ क्या मैं यहां से W अपॉन पी, W अपॉन पी, W अपॉन पी को क्या मैं BC अपॉन AC लिख सकता हूं, जल्दी बताइए W अपॉन पी को क्या हम लोग AC अपॉन BC ऐसा लिख सकते हैं, अभी इसका इस्तेमाल पड़ेगा, अभी इसका इस्तेमाल पड़ेगा, इसलिए नोट डाउन कर लो, इसलिए नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है चलो अब जल्दी से मुझे बताइए फटाफट टेस्ट पे क्या कहते हैं, तो कह रहा W टू बच्चों हम लोग बोलते हैं लोड, W हमारा क्या है लोड, P क्या है, तो कह रहा P है हमारा इफर्ट, P क्या है इफर्ट, इफर्ट मतलब प्रयास, हिंदी वाले प्रयास लिख रहे। और आप मुझे बताइए AC, AC, AC देख लो जरा ध्यान से AC,
AC है ना बच्चों, ये है हमारा प्रयास भुजा, इफर्ट आर्म, प्रयास भुजा। BC, सर BC क्या है? तो क्या जरा BC तो बोला जाता है मेरे भाई भार भुजा, BC तो बोला जाता है भार भुजा। एकदम रट जाना चाहिए ये सारे टर्म, ये सारे टर्म एकदम याद हो जाना चाहिए, ठीक है? सारे टर्म याद हो रहे हैं एक बार कमेंट करके बताओ फटाफट। चलो अब यांत्रिक लाभ सुनिए, किसी भी लीवर का यांत्रिक लाभ मैकेनिकल एडवांटेज बराबर होता है उठाया गया भार डिवाइड बाई लगाया गया प्रयास, ऊपर उठाया गया भार डिवाइड बाई लगाया गया प्रयास। यही मेरे भाई किसी भी लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज होता है, सर उठाया गया भार डिवाइड बाई लगाया गया प्रयास, ठीक है? चलो यहां तक बात सब लोग क्लियर है। अब बताइए वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? तो कह रहा वेलोसिटी रेशियो होता है सर, ऊपर रखा जाता है बच्चों, उल्टा है इस बार, ऊपर रखा जाएगा प्रयास भुजा, क्या प्रयास भुजा, और नीचे बताइए क्या रखा जाएगा? सर नीचे रखा जाएगा भार भुजा, भार भुजा। प्रयास भुजा याद करो क्या थी? AC, AC। और भार भुजा क्या थी? सर भार भुजा थी वो थी BC। तो ऊपर प्रयास भुजा, नीचे भार भुजा, इन दोनों का जो अनुपात कहलाएगा सर, ये कहलाएगा वेलोसिटी रेशियो। बताइए यहां तक बात सबको क्लियर है? फटाफट जल्दी से एक बार कमेंट कर बताओ यहां तक क्लियर है हरा। और ये वाला जो फॉर्मूला आया है, और ये फॉर्मूला भले ही आप याद न करो लेकिन निकालना सीख लीजिए, लेकिन निकालना सीख लीजिए कि निकाला कैसे जा रहा है। ये देखिए हरा क्या किया गया है सर, क्लॉकवाइज वाला मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज वाला मूवमेंट आपस में बराबर किया गया है बस, ठीक है? चलो एक बार रिपीट कर दूं जल्दी से, लीवर का यांत्रिक लाभ क्या होता है? W/P है ना। वेलोसिटी रेशियो क्या होता है? प्रयास भुजा बटे भार भुजा। ओके अब इसके बाद मैंने आपको क्या बताया? अघूर्णों का सिद्धांत। फिर मैंने यह भी बताया कि W/P क्या है, AC क्या है, BC क्या है। क्लियर है यहां तक? एक बार बताओ। चलो अब हम लोग एंट्री करते हैं जल्दी से लीवर के प्रकार में। तो याद रखिएगा लीवर हमारे कितने तरह के हो, अब मैं आपको समझाऊंगा कि लीवर कितने तरह के होते। तो लीवर डायरेक्टर तीन तरह के लीवर होते, प्रथम श्रेणी का लीवर, सेकंड श्रेणी का लीवर, थर्ड श्रेणी का लीवर, ठीक है? अब मैं यहां पर आपको डायरेक्ट लीवर पे चलता हूं ताकि आप ये तीनों लीवर समझ सको। अब वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से लाइनें शुरू है, ध्यान से सुनते रहिएगा। तो आप मुझे बताओ जरा, अगर मैं बोलू प्रथम श्रेणी के लीवर को थोड़ा समझा दे, दिखाइए कि प्रथम श्रेणी का लीवर क्या होता है। अब यहीं से क्वेश्चन बनेगा, मैं क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगा साथ साथ। बताइए जैसे कि मान लीजिए मैंने आपके सामने रॉड दिखाई बच्चों, प्रथम श्रेणी के लीवर में स्थिर बिंदु जो होता है वो बीच में होता है। प्रथम श्रेणी के लीवर में स्थिर बिंदु बताइए कहां पर होता है? बीच में होता है। ध्यान रखना सर, स्थिर बिंदु बीच में होता है, यस। इसी को हम लोग क्या नाम से जानते हैं सर? यही हमारा आलंब है। बताइए ये हमारा क्या है? आलंब है, फलक्रम जिसको बोलते हैं। और इसी बिंदु को मैंने कहा था कि कौन से बिंदु बोलते हैं? सी बिंदु बोलते हैं। अब बाकी दोनों साइड यानी एक किनारा ये, दूसरा किनारा ये, तो दोनों किनारे में से किसी एक किनारे पर लोड होगा, ये देखिए, और बाकी दूसरे किनारे पर बताइए क्या होगा? सर दूसरे किनारे पर प्रयास पी होगा। तो जब स्थिर बिंदु बीच में हो तो समझ जाना वो प्रथम श्रेणी का लीवर है ना। फिर मैंने आपको कहा कि ये वाला बिंदु बताइए क्या नाम से जाना जाता है? बी। ये वाला बिंदु किस नाम से जाना जाता है? ए के नाम से जाना जाता है, ठीक है? और फिर मैंने आपको कहा कि ये हमारा क्लॉकवाइज मूवमेंट, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो मूवमेंट के सिद्धांत के अनुसार W/BC बराबर बताइए किसके साथ जाएगा? P/AC। हालांकि इसका बहुत तगड़ा इस्तेमाल है, अभी मैं बताऊंगा इसका तगड़ा इस्तेमाल क्या है। ये देखिए तो डेफिनेशन क्या होती है प्रथम श्रेणी के लीवर की, कि प्रथम श्रेणी के लीवर में आलंब बीच में होता है। तो जब आलंब बीच में हो वो प्रथम श्रेणी का लीवर। क्लियर है? चलो आगे बढ़ा जाए। अब आगे बात सुनो बच्चों, मैंने अभी अभी कहा कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है। तो कह रहा मैकेनिकल एडवांटेज W/P होता है, होता है W/P। थोड़ा गौर से देखिए, जब मैं वहां से W/P निकालते देखू W/P, तो W/P जो आ रहा है वो ऊपर AC यानी प्रयास भुजा, ऊपर AC, और नीचे बताइए क्या आ रहा है? BC। देख लो
ये हमारा मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगा। फॉर्मूले से देख लीजिए, चाहे W बटे पी को हमने एसी बटे बीसी लिख लिया। अब आप ध्यान से सुनो, जब प्रथम श्रेणी का लीवर होता है उसमें तीन पॉसिबिलिटी बनती है। देखो प्रथम श्रेणी के लीवर में ये फलक्रम बीच में है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ठीक बीचों बीच हो। ये प्रयास के पास भी हो सकता है और ये भार के पास भी हो सकता है। मतलब ये इसके पास भी हो सकता है, इसके पास भी हो सकता है। इसीलिए प्रथम श्रेणी के लीवर में ध्यान रखना, ये जो एसी है और बीसी है ये बराबर भी हो सकते हैं, कई बार एसी की वैल्यू ज्यादा भी हो सकती है और कई बार एसी का मान बीसी के मान से कम भी हो सकता है। याद रखना प्रथम श्रेणी के लीवर में ये तीनों पॉसिबिलिटी वैलिड है, पहली वाली भी, दूसरी वाली भी, तीसरी वाली भी। इसीलिए एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है कि प्रथम श्रेणी के लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज कितना होता है। तो कहना अगर एसी बराबर बीसी है तो प्रथम श्रेणी के लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज एक के बराबर होगा। दूसरा एसी बड़ा है, देख लो एसी बड़ा है, एसी बड़ा है, तो एसी बड़ा है तो इसका मतलब प्रथम श्रेणी के मैकेनिकल लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज 8 से बड़ा होगा, क्योंकि एसी अगर बड़ा है ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है तो 101% मैकेनिकल एडवांटेज 8 से ज्यादा। अगर एसी का मान बीसी से छोटा है, एसी छोटा है, तो मैकेनिकल एडवांटेज बताइए क्या हो जाएगा, 8 से कम। चलो जल्दी से आप मुझे बताओ, ये बात सबके माइंड में आ रही नहीं आई, बताइए, बोलो 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 जल्दी बताइए कि अगर एसी बराबर बीसी है तो मैं तो इसका मतलब यह हुआ कि प्रथम श्रेणी के लीवर में, आप एक छोटी सी बात याद कर लो, क्या बात याद कर लो कि प्रथम श्रेणी के लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज 8 के बराबर, 8 से ज्यादा, 8 से कम, कुछ भी हो सकता है सर, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? अब दूसरी बात सुनो जो मैं बता रहा हूं बच्चों, मैकेनिकल एडवांटेज अगर 8 के बराबर है तो उसका मतलब क्या है? सर अगर 8 के बराबर है तो उसका मतलब होता है कि प्रयास कहीं ना कहीं भार के बराबर होगा, देख लो सर, है ना। अगर मैकेनिकल एडवांटेज 8 के बराबर है तो इसका मतलब अगर 100 न्यूटन का भार है तो लगाया गया प्रयास भी 100 न्यूटन होगा, 100 न्यूटन के भार के लिए 100 न्यूटन का प्रयास लगाना होगा। लेकिन अगर मैकेनिकल एडवांटेज 8 से ज्यादा है, 8 से ज्यादा है, वहां देखिए 8 से ज्यादा है, तो 8 से ज्यादा है इसका मतलब क्या हुआ, प्रयास का मान कम हो रहा, भार का मान ज्यादा, देख लो। तो 8 से ज्यादा का मतलब क्या होता है कि कम प्रयास लगाकर ज्यादा भार उठाएंगे। ये सब लाइनें ना डेफिनेशन में आती हैं, इस बात को याद रखिएगा। और अगर मैकेनिकल एडवांटेज बच्चों 8 से क्या है, कम है, 8 से कम, 8 से कम, तो 8 से कम तब आएगा जब प्रयास ज्यादा हो रहा, नीचे वाली वैल्यू ज्यादा हो रही और भार कम हो रहा, देख लो जा। तो कई बार ये डेटा डायरेक्ट पूछा जाएगा कि यदि किसी लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज 8 के बराबर है तो इसका मतलब क्या है? तो सर इसका मतलब होता है कि अगर 8 के बराबर है तो 100 न्यूटन के भार के लिए आपको 100 न्यूटन का प्रयास लगाना होगा, और 8 से ज्यादा है तो, 8 से ज्यादा है तो 100 न्यूटन के भार के लिए 100 से कम प्रयास लगाना होगा। देखो पी का मान कम है ना, अब पी का मान कम है इसका मतलब लगाया गया प्रयास कम है, ठीक है। और अगर 8 से कम है मैकेनिकल एडवांटेज तो उसी भार को उठाने के लिए ज्यादा प्रयास लगाना होगा। चलिए बताइए जल्दी से, यहां तक बात सबको क्लियर है? फटाफट जल्दी बताइए, फटाफट जल्दी कमेंट करके बताओ क्लियर है। अब मैं आपको यह सिखा दूं कि प्रथम श्रेणी का लीवर छाटा कैसे जाता है। तो याद रखना जितने भी प्रथम श्रेणी के उत्तोलक होते हैं, बीच वाला, यह फलक्रम वाला बिंदु बीच में होना चाहिए, ये फलक्रम वाला बिंदु कहां पर होना चाहिए, बीच में होना चाहिए, ठीक है। चलो अब इधर आइए, मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे भी आप पहले तराजू देखिए, सबसे पहला एग्जांपल तराजू देखिए, हरा बच्चों तराजू में देखो ये जो फलक्रम वाला बिंदु है ये बीच में होता है, फलक्रम वाला बिंदु बीच में होता है। और एक तराजू पे बताइए क्या रखा होता है, सर एक तराजू पे रखा होता है लोड डब्लू, और दूसरे तराजू पे बताइए क्या लगाना होता है, सर दूसरे तराजू पे लगाना होता है प्रयास पी, है ना। तो जब भी कभी फलक्रम वाला बिंदु बीच में हो तो समझ जाना वो हमारा प्रथम श्रेणी का लीवर है, है ना। जैसे कि ये वाला एग्जांपल देखिए, ये बच्चों ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं हम लोग सीसा झूला, क्या नाम से जाना जाता है,
सर इसको बोला जाता है सीसा झूला, है ना। अब आप बताओ सीसा झूला में क्या होता है? सर सीसा झूला में फलक्रम वाला बिंदु कहां पर है? तो देख लो फलक्रम वाला बिंदु बीच में है। सर सीसा झूला में फलक्रम वाला बिंदु बीच में है, फलक्रम वाला बिंदु बीच में है, और एक तरफ देखो एक बच्चा बैठा है जिसको आप लोड कह सकते हो, और दूसरी तरफ दूसरा बच्चा बैठा है जिसको आप प्रयास कह सकते हो। समझे ना बात को? तो फलक्रम हमारा बीच में होना चाहिए। जब भी कभी फलक्रम बीच में होगा तो समझ जाना वो हमारा प्रथम श्रेणी का लीवर है, है ना। और देखिए कैची, आप देखो कैची में क्या होता है कि बीच वाला जो बिंदु है जिससे परितापपुरी कैची ढूंढती है, सर ये बीच वाला बिंदु हमारा क्या हो गया? सर बीच वाला बिंदु फलक्रम हो गया, फलक्रम, है ना। सर एक तरफ आपका लोड होता है, एक तरफ लोड होता है, और मैं आपको बता दूं जहां पर आप अपनी ताकत लगाते हो वहां प्रयास लगाया जाता है, है ना। तो यहां पर बताइए क्या लगाया जाता है? सर यहां पर लगाया जाता है प्रयास पी। देख लो तो बीच में फलक्रम हो गया ना, तो बीच में जब भी कभी फलक्रम होगा तो समझ जाना वो हमारा कौन सा उत्तोलन होगा? सर प्रथम श्रेणी का उत्तोलन होगा, ठीक है। और आइए सर इसको देखा प्लास, ये क्या है? सर ये प्लास है, कई बार आप इसको इंग्लिश में प्लायर्स भी बोलते हैं, प्लास, है ना। सर प्लास किया ना, टू भी देखिए तो स्थिर वाला बिंदु फलक्रम, फलक्रम हमारा बीच में है, देख लो है बीच में, और आप देखिए यहां पर आप वो लोड लगाते हो जिसको काटना है, और मेरे भाई यहां पर बताइए क्या लगाते हैं? सर यहां पर लगाते हैं प्रयास पी। पढ़ कैसे क्लियर है? बताइए जल्दी से, सबको क्लियर है? ठीक है, तो आप लोगों के पास प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के ढेरों एग्जाम्पल आ गए। मैं एक एक करके एग्जाम्पल लिखता हूं। सर प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है? तो कह दे रहा कैची, कैची, कैची के साथ सीसा झूला, सीसा झूला, हरा सीसा झूला के साथ आपको बता रहा है प्लास, प्लास के साथ बता रहा है तराजू, तराजू, और भी एग्जाम्पल होते हैं। तराजू के साथ आपने शायद साइकिल का ब्रेक देखा होगा जो वायर वाला लगाया जाता है, तो साइकिल का ब्रेक, साइकिल ब्रेक, मेरे भाई ध्यान रखिएगा ये सारे के सारे एग्जाम्पल बताइए किसमें होते हैं? सर प्रथम श्रेणी के उत्तोलन में होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें बीच में हमारा क्या होता है? सर बीच में हमारा स्थिर वाला बिंदु होता है। और याद रखना प्रथम श्रेणी के उत्तोलन की तीनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, मटेरियल एडवांटेज एट के बराबर भी हो सकता है, एट से ज्यादा भी हो सकता है, और मेरे भाई एट से कम भी हो सकता है। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि प्रयास भुजा और भार भुजा में से कोई भी ज्यादा हो सकती है, कोई भी कम हो सकती है। जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ आप सब लोगों को प्रथम श्रेणी का उत्तोलक सबको क्लियर हो गया या नहीं? क्लियर हुआ? पूरा खत्म करेंगे हम, एक भी नहीं छोड़ेंगे। जल्दी बताइए, कोई डाउट तो नहीं रहा? हरा चलो ऐसे जाइए। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला हमारा लीवर आता है जिसको बोलते हैं सेकेंड श्रेणी का उत्तोलक। अब आपको बता दें सेकेंड श्रेणी का उत्तोलक क्या है, इसको भी देखिए। जब हम लोग बात करते हैं सेकेंड श्रेणी के उत्तोलक की, तो कह रहा सेकेंड श्रेणी के उत्तोलक का मतलब होता है कि इसमें हमारे पास फिर से एक रॉड होगी, लेकिन इस बार फलक्रम किनारे पर होगा, है ना। तो जब भी कभी फलक्रम तुम्हारा किनारे पर हो, किनारे पर हो, है ना, किनारे पर हो, एक तो ये याद कर लो, और दूसरे साथ जो हमारा लोड होना चाहिए, लोड, सर लोड हमारा बीच में होना चाहिए, लोड हमारा बीच में, लेकिन लोड को उठाने के लिए प्रयास किनारे पर लगाया जाना चाहिए। तो जब लोड तुम्हारा बीच में आ जाता है, देखो लोड बीच में आ जाता है तो वो सेकेंड श्रेणी का हो जाता है। अगर फलक्रम बीच में था तो ध्यान रखना वो हमारा कैसे में होता है? प्रथम श्रेणी में। और लोड बीच में होता है, फलक्रम किनारे पर होता है और प्रयास किनारे पर होता है, दैट इज कॉल्ड हमारा सेकेंड श्रेणी, है ना। पहले मैं आपको एग्जाम्पल सिखा देता हूं, एग्जाम्पल कैसे पता करते। ध्यान रखना फलक्रम किनारे पर होना चाहिए, लोड बीच में होना चाहिए। चलो मैं पहले आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूं, एग्जाम्पल क्या है देखिए। जैसे कि आप लोग ये देख पा रहे हो, ये क्या है सर? ये पहले ये क्या है सर? ये लेमन क्रशर है, नींबू वाली मशीन, है ना। इसको कई बार आप नींबू क्रशर के नाम से भी जानते हैं, लेमन क्रशर के नाम से जानते हैं। अब देखो लेमन क्रशर में क्या होता है? सर लेमन क्रशर में ये एक बिंदु है, ये बिंदु, सर ये बिंदु हो गया फलक्रम, है ना। तुमने यहां नींबू रखा, हा, निचोड़ने के लिए, पोहा में डालते हो ना नींबू, तो नींबू निचोड़ने के लिए लगा
तो ये हमारा लोड। और मेरे भाई जहां पर आप अपनी तरफ से ताकत लगाते हैं सर उसे बोलते हैं प्रयास। तो मेरे भाई इस तरह देखिए सर, यहां पर आप ताकत लगाते हो, यहां पर क्या लगाते हो ताकत, देख लीजिए। तो लोड हमारा बीच में हो गया, लोड हमारा बीच में हो गया, इसीलिए ध्यान रखता है ये सेकंड श्रेणी का उत्तोलन हो गया। तो नींबू वाली मशीन ध्यान रखना सेकंड श्रेणी के उत्तोलन में आती है। चलिए ये क्या है सर, ये इसे बोलते हैं हम लोड व्हील बैरो, इंग्लिश मीडियम वाले सुन ले, इसे बोलते हैं व्हील बैरो, और हिंदी में ध्यान रखना इसे बोला जाता है एक पहिए वाली गाड़ी। ठीक है, एक बच्चे बहुत देर से कमेंट कर रहा है टॉप क्लास कंटेंट जीडीसी 2023 पीसीएम पार्ट बी एग्जाम लैंग्वेज इज इट इन द रीजनल राउंड, नहीं बिल्कुल नहीं, हिंदी अगर चुनोगे तो हिंदी प्लस इंग्लिश, और इंग्लिश चुनोगे तो ओनली इंग्लिश। ठीक है, हरा चंदन सिंह में क्वेश्चन बताया तो था, ये देखिए थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन बताया, ये देखिए आप क्वेश्चन को देख ले, एक समान मीटर 75 ग्राम फलाना 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 डिटाना डिटाना, ऐसे सवाल बनते हैं, वो भी मैं सॉल्व कराऊंगा, परेशान मत होइए। अरा ये सब सवाल आए हुए सवाल है, ये देखिए लिखा है ना, इफ वी कंपेयर इफर्ट आर्म विद द लोड आर्म इन क्लास थर्ड लीवर, क्लास थर्ड लीवर का क्वेश्चन है। अरा अब देखो ऐसे बहुत सारे सवाल बनते हैं, सारे के सारे सवाल, अब ये देखो क्लास टू लीवर का क्वेश्चन है, तो ये सारे सवाल मैं बताऊंगा, परेशान मत होइए, पहले पूरा पढ़ तो लीजिए, बीच में हम लोग क्वेश्चन पे टूट जाएंगे तो मजा थोड़ी ना आए है। देखो तो व्हील बैरो में देखो ये हमारा क्या है सर, ये हमारा पहिया जो है ये फलकम होता है। आपने लोड कहां रखा सर, लोड रखा है यहां पर, ये है लोड, ये देखिए तो लोड हमारा बीच में हो गया और इसको उठाने के लिए यहां लगाया प्रयास। अरे लोड हो गया मेरे बीच में, तो लोड बीच में हो गया तो इसका मतलब हमारा कह सकते हैं कि ये सेकंड श्रेणी का एग्जांपल हो गया। ये देखिए ये कौन सी मशीन है, किसी को याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा तो अपने घर में मम्मी से जरूर पूछना। बच्चों इस मशीन को बोलते हैं आम कटना, हम लोग गांव में इसको आम कटना बोलते हैं, आम काटने वाली मशीन होती है। मेरे भाई आम काटने वाली मशीन का ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु ध्यान रखना, ये वाला बिंदु जो होता है सर ये होता है फलकम एफ। हरा बीच में यहां पर आपने आम रखा, यहां पर क्या रखा बच्चों आम, और जहां पर आम रखेंगे बच्चों तो आप मुझे देखिए यहां पर कह सकते ये हमारा क्या हो गया सर, ये हमारा लोड हो गया। एक चीज सिखा दूंगा और आप बताइए किनारे पर क्या लगाते हो सर, किनारे पर आप लगाते हो प्रयास पी। बीच में लोड हो गया सर, बीच में लोड हो गया, इसका मतलब क्या है सर, ये भी हमारा सेकेंड श्रेणी का एग्जाम्पल हो गया। ये क्या है बच्चों, इसको हम जानते हैं सरौता के नाम से, सरौता हरा, या फिर कई बार आपने इसको पढ़ा होगा नट ट्रैक्टर के नाम से, जो नट को तोड़ दे नट ट्रैक्टर। अब नट ट्रैक्टर में देखिए सर, ये हमारा बीच में हमारा क्या हो गया फलकम एफ, और ये क्या है सर, ये हमारा लगा हुआ है सर लोड डब्ल्यू, और यहां पर क्या लगा रहे हैं बच्चों, यहां पर लगा रहे हैं प्रयास पी। तो जब लोड बीच में होता है किनारे पर कह सकते हो एफ, और किनारे पर प्रयास होता है डेट इज कॉल्ड सेकंड। एक और एग्जाम्पल है जो पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था सर, उसे बोलते हैं बोतल ओपनर। ओपनर देखा है भैया, बताइए जल्दी से, ओपनर देखा है नहीं देखा ओपनर? हरा ध्यान रखिएगा जितने भी हमारे बोतल ओपनर होते हैं, आप कभी जाइए बोतल ओपनर ऐसे कोल्ड ड्रिंक पीजिए ना, कोल्ड ड्रिंक में ऐसे रहता पिस बोतल ओपनर। ठीक है, तो बच्चों जो बोतल ओपनर होते हैं आप कभी देखिए उनका डायग्राम, तो बोतल ओपनर का जो डायग्राम रहता है वो कुछ ऐसे रहता है, ऐसे 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 रहता है ना बोतल ओपनर का, ये देखिए। तो कभी आप बोतल ओपनर को देखिए, तो ये जो किनारे वाला पॉइंट है ये जहां से बोतल खोलनी है उसे फिक्स कर देते हरा, और ये वाले पॉइंट पे प्रयास लगाते अपनी ताकत लगाते हैं, और ये वाले पॉइंट पे कह सकते हो जिस ढक्कन को खोलना है वो ढक्कन होता है डब्ल्यू होता है। तो बोतल ओपनर भी सेकेंड श्रेणी के लीवर में आता है हरा, तो सेकेंड श्रेणी के लीवर के मैंने बहुत सारे एग्जांपल बता दिए। चलो भैया एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या सारे एग्जांपल याद है, फिर से सुनिए, एक पहिए वाली गाड़ी हरा, लेमन क्रशर, आम कटना, ठीक है, नट ट्रैक्टर, बोतल ओपनर, सर ये सब हमारे बताइए किसमें आते हैं, सब इसमें आते हैं आपके सेकंड श्रेणी के उत्तोलन में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट व्हील बैरो है, एक पहिए वाली गाड़ी, पिछली बार आपको मैं बता दूं ये वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा गया।
चलो अब मैं थोड़ा इसको और डिटेल में समझाता हूं, इसके अंदर से क्वेश्चन क्या बनता है। अंदर से क्वेश्चन बनेगा जैसे कि आप ये देखो, सेकेंड श्रेणी में ये फलक्रम, ये लोध और ये प्रयास, याद करो मैंने आपको कहा कि जहां पर फलक्रम होता है उस बिंदु को हम बोलते हैं सी, जहां पर प्रयास लगाया जाता है उसको ए, जहां पर लोड होता है उसको बी बोलते हैं। सारे नाम याद है ना, किसको क्या बोलते हैं बच्चों, प्रयास से लेके फलक्रम की दूरी या फलक्रम से प्रयास की दूरी, सर ये दूरी कहलाती है प्रयास भुजा। इस दूरी को बताइए क्या नाम से जाना जाएगा, प्रयास भुजा, जो कि हमारी हो जाएगी एसी, एसी ठीक है। और फलक्रम से मेरे भाई, फलक्रम से ध्यान रखिएगा, ये दूरी सर ये दूरी कहलाती है भार भुजा, भार भुजा। और भार भुजा को बताइए हम किस नाम से जानते हैं, बीसी के नाम से। ओके चलो अब जल्दी फटाफट कमेंट करके मुझे बताओ, अगर मैं इस सेकेंड श्रेणी का मैकेनिकल एडवांटेज पूछूं तो क्या कहोगे, डब्ल्यू बटे पी, डब्ल्यू बटे पी कहीं ने ना। फिर याद करो मैंने आपको कहा था कि जब हम डब्ल्यू बटे पी करते हैं तो याद करिए मैंने आपको कहा था कि W बटे पी हर बार एक ही के बराबर आता है AC अपॉन BC के। अभी मैंने याद कराया W अपॉन पी AC अपॉन BC, या फिर आप इसको ऐसे याद करो W अपॉन पी, यहां उल्टा हो जाता है, उल्टा का मतलब ऊपर हो जाएगा आप प्रयास भुजा, और मेरे भाई नीचे बताइए क्या हो जाएगा, सर नीचे हो जाएगा भार भुजा, ऊपर प्रयास भुजा और नीचे बताइए क्या हो जाएगा, सर नीचे हो जाएगा भार भुजा। ये देखिए भार भुजा, बोलो भाई बात सबको क्लियर है, ये तुम्हारा मैकेनिकल एडवांटेज हो गया। प्रयास भुजा कितनी है सर, प्रयास भुजा है एसी, और देखो भार भुजा क्या है सर, भार भुजा है क्या है, वो है तुम्हारी बीसी। बोलो यहां तक क्लियर है। चलो एक सवाल मैं पूछूं आप लोगों से, आप लोग मुझे ये बताओ सेकेंड श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ कितना होगा, एक से ज्यादा कि एक से कम। तो मेरे भाई सेकेंड श्रेणी के लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा एक से ज्यादा होता है। एक से ज्यादा क्यों, आप साफ साफ चित्र में देख पा रहे हो रे, सर चित्र में देख लीजिए, प्रयास भुजा बड़ी है, एसी का मान बड़ा है और बीसी का मान छोटा है हरा। तो बच्चों सेकेंड श्रेणी के उत्तोलक में एसी बड़ा होता है, कौन बड़ा होता है, एसी बड़ा होता है, और जब एसी बड़ा होता है, ये देखिए एसी बड़ा है, एसी प्रयास दूर लगा है, तो एसी बड़ा है तो एट से ज्यादा। ले एट से ज्यादा का मतलब क्या है सर, एट से ज्यादा का मतलब ये है कि सर अगर ये एट से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब है कम प्रयास लगाकर, कम प्रयास लगाकर लगाकर ज्यादा भार उठेगा, ये इसका मतलब है, कम प्रयास लगाकर ज्यादा भार उठेगा, मेरे भाई ये इस बात का मतलब है, कम प्रयास लगाकर ज्यादा भार उठेगा, ये इस बात का मतलब है। क्लियर है, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ सबको क्लियर आ गया। तो सेकेंड श्रेणी के लीवर में सर लोड बीच में होता है। अब आप देखो ना ये गाड़ी बच्चों, आप देखो यहां पर ये जो आदमी एक पहिए वाला खाड़ी ठेला चलाने वाला आदमी होता है, यहां पर जो है यहां पर कई बार 50-50 किलोग्राम को बहुत आसानी से उठा लेता है, क्यों, क्योंकि ये सेकेंड श्रेणी के उत्तोलक है यार, कम प्रयास लगाकर ज्यादा भार उठा रहा है, ठीक है। चलो बच्चों एक सवाल पे जरा आंसर दो, ये वाला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा, हरा ये वाला क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा तो मैं चलो इसको छोटा कर देता हूं, आप मुझे बताओ ये वाला क्वेश्चन अब दिखाई दे रहा है, ऐसे सवाल पूछे जाते, मैं आपको कुछ वैसा ही बता रहा हूं। आप देखिए लिखा है ना क्वेश्चन, क्या लिखा है, यदि हम क्लास वन लीवर में इफर्ट आर्म की तुलना लोड आर्म से करते हैं, इफर्ट आर्म की तुलना लोड आर्म से करते हैं तो बताइए क्या है, क्लास वन के लीवर की बात हो रही है, तो याद करो मैंने बताया था क्लास वन के लीवर में इफर्ट आर्म और लोड आर्म जो है बराबर भी हो सकते हैं, कम ज्यादा कुछ भी हो सकते हैं, देख लो ना इफर्ट आर्म लोड आर्म एक से अधिक एक से बराबर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन है क्लास वन के लीवर का, क्लास वन के लीवर का। और मेरे भाई इसी तरह से देखो, थोड़ा सा आपको जूम करके मैं दिखा देता हूं, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है वो क्लास टू के लीवर का सेम क्वेश्चन आया, इसमें भी सेम वही बात बोली जा रही है कि बताइए इफर्ट आर्म और लोड आर्म में से कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। तो मतलब कहने का यह है कि ये सारी बातें आपके एग्जाम में पूछी जाती है,
कि इफर्ट आर्म और लोड आर्म में से कौन बड़ा होता है, कौन हमारा छोटा होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। अब बताइए अगला जो लीवर आता है वो हमारा कौन सा लीवर आता है? तो कह रहा है अगला जो लीवर आता है उसको बोलते हैं थर्ड काइंड ऑफ लीवर। अब कोई मुझे बताए थर्ड काइंड ऑफ लीवर में क्या होगा? तो कह रहा थर्ड काइंड ऑफ लीवर में फिर से किनारे पर प्रयास फलक्रम होगा, फलक्रम किनारे पर होगा। सर इस बार जो है लोड किनारे पर होगा, इस बार लोड किनारे पर होगा, लेकिन इस लोड को उठाने के लिए प्रयास बीच में लगाया जाएगा। सर इस बार लोड को उठाने के लिए प्रयास बीच में लगाया जाएगा, लगा दिया। चलो जल्दी से पॉइंट लिख दीजिए मेरे भाई। जहां पर फलक्रम होता है वो बिंदु सी होता है, जहां पर प्रयास होता है वो बिंदु ए होता है, जहां पर लोड होता है वो बिंदु बी होता है। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी सारे टर्म डिफाइन कर लो। बताइए इसे क्या बोलोगे? तो कह देना फलक्रम से, सर फलक्रम से प्रयास की दूरी, फलक्रम से प्रयास की दूरी कहलाएगी प्रयास भुजा। आप चाहो तो इसे इंग्लिश में इफर्ट आर्म लिख लो। हरा फलक्रम से लोड की दूरी, तो कहना फलक्रम से लोड की दूरी कहलाएगी लोड आर्म यानी भार भुजा। वही सेम बात है, वही सेम बात है। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ जरा, अगर मैं यहां पर फिर से, अच्छा आप चाहो तो अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर फॉर्मूला वही निकलेगा नहीं निकलेगा, मैं बताऊं प्रयास भुजा हमारी एसी हो जाएगी, एसी भार भुजा देखो बीसी। हरा आप चाहो तो यहां पर आघूर्णों का सिद्धांत भी लगा दो। ठीक है बच्चों, आघूर्णों का सिद्धांत लगा दो जरा। तो जैसी मैं यहां पर आघूर्णों का सिद्धांत लगाऊंगा ना, आघूर्णों का सिद्धांत, आघूर्णों का सिद्धांत, तो आघूर्णों के सिद्धांत से मूवमेंट बराबर करना होता है। देखो भैया ये मूवमेंट ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ये मूवमेंट क्लॉकवाइज, और मूवमेंट का मैंने एक ही फॉर्मूला बताया है प्रयास पी इंटू दूरी एसी बराबर एंटी क्लॉकवाइज वाला मूवमेंट डब्लू, डब्लू इंटू बीसी। तो आघूर्णों के सिद्धांत से सेम वही रिजल्ट आता है पी इंटू एसी बराबर डब्लू इंटू बीसी। ठीक है बिल्कुल बिल्कुल जयप्रकाश प्रोनी व्यवस्था एकदम सही बता रहे बच्चा। चलो अब जल्दी से मैटेरियल एडवांटेज बताया जाए। आप मुझे बताओ मैटेरियल एडवांटेज कितना हो जाएगा डब्ल्यू बटे पी, डब्ल्यू बटे पी, फिर से पहला भी अलग ही याद होगा तब भी टर्म चल जाएगा एसी अपॉन बीसी, एसी अपॉन बीसी, यह हमारा मैटेरियल एडवांटेज हो गया है ना। सारे वर्ड याद है ना सबको क्या बोलते हैं। चलो अब आप ध्यान से सुनो सर, थर्ड श्रेणी के लीवर में जरा गौर से देखो बच्चों, यहां देखो ये जो बीसी है बड़ा है एसी छोटा है, हरा इसमें बीसी बड़ा है एसी छोटा है। तो इसका मतलब सर जब भी कभी थर्ड काइंड ऑफ लीवर की बात करेंगे, थर्ड काइंड ऑफ लीवर की बात करेंगे, तो थर्ड काइंड ऑफ लीवर में ध्यान रखिएगा सर एसी छोटा हो जाता है बीसी बड़ा होता है, एसी छोटा होता है बीसी बड़ा होता है। अच्छा अगर एसी छोटा तो बताइए मैकेनिकल एडवांटेज एक से क्या आ जाएगा कम। तो बच्चों तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में मैकेनिकल एडवांटेज एक से कम होता है, बोलो भाई। अच्छा एक से कम का मतलब समझते हो क्या मतलब होता है? तो कह रहा एक से कम का मतलब होता है मेरे दोस्त, एक से कम आया मतलब ज्यादा भार लगाकर, क्या मतलब होगा ज्यादा भार लगाकर, ज्यादा भार लगाकर है ना, ज्यादा प्रयास लगाकर, यहां भार क्यों लिख दिया भैया, यहां लिखा जाना चाहिए ना प्रयास, ज्यादा प्रयास लगाकर है ना कम भार उठेगा, ज्यादा प्रयास लगाकर कम भार उठेगा, क्लियर है ना। तो इसके प्रॉपर मतलब होते मैकेनिकल एडवांटेज एक के बराबर है, इसका मतलब समान प्रयास लगाकर समान भार उठेगा, एक से ज्यादा है तो कम प्रयास लगाकर ज्यादा भार उठेगा, और एक से कम है तो ज्यादा प्रयास लगाके कम भार उठेगा। ठीक है बोलो भाई बात सब क्लियर है? चलो इसके एग्जांपल देखें। तो थर्ड काइंड ऑफ लीवर में ध्यान रखना फलक्रम किनारे पर होगा, लेकिन लड़ाई गई ताकत तुम्हारे द्वारा लड़ाई गई ताकत वो हमारे बीच में होगी, लड़ाई गई ताकत बीच में होगी। चलो अब एग्जाम्पल देखा जाए, ध्यान से सुनिए।
है ना। जैसे कि आप लोग ये देख पा रहे हो, ये है भैया आइस टोन, है ना। हालांकि टोन्स का हिंदी में मतलब होता है चिमटा, बर्फ उठाने वाला चिमटा। मैं ये वर्ड इसलिए लिख रहा हूं ना क्योंकि यही सेम वर्ड जो है पिछली बार आपके एग्जाम में आया था, बर्फ उठाने वाला चिमटा। देखो होता क्या है कि जब भी कभी आप दारू वगैरह पीते हैं तो आप लोग छोटे छोटे आइस ट्यूब उठाते हैं ना। तो बच्चों आइस ट्यूब जब हम उठाते हैं ना तो वो आइस ट्यूब हम यहां छपा देते हैं, यहां फंसा देते हैं। और आपको पता है कि ये स्थिर बिंदु है सर, ये बिंदु हमारा कौन सा बिंदु हो जाएगा सर, ये बिंदु हो जाएगा हमारा फलक्रम, ये बिंदु हमारा हो जाएगा फलक्रम, है ना। लेकिन ये हमारा क्या है सर, ये आइस ट्यूब है, तो आइस ट्यूब है इसका मतलब ये हमारा हो गया लोड, लोड। लेकिन इसको उठाने के लिए आप प्रयास कहां लगाते हैं, तो कह रहा प्रयास तो आप यहां उठाते लगाते। तो देखो भैया प्रयास बीच में आ गया, प्रयास बीच में आ गया, प्रयास बीच में आ गया, तो हो गया थर्ड काइंड ऑफ लीवर है। चलो ये क्या है बच्चों, इसको हम लोग नाम से जानते हैं फिशिंग रॉड। ये क्या है सर, ये है तुम्हारी फिशिंग रॉड। क्या मतलब होता है इसका सर, इसका मतलब होता है मछली मारने वाली डंडी, मछली मारने वाली डंडी, फिशिंग रॉड इसको बोलते हैं मेरे भाई। थोड़े बार सेशन को लाइक भी कर देना यार, देखो ऐसे मजा नहीं आएगा, इतना ईमानदारी के साथ दिल चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहा हूं यार। अभी आप देखिए ना, सारे सवाल भी आपको सॉल्व करा दूंगा, थोड़े बार सेशन को लाइक कर दो। सर फिशिंग रॉड में क्या होता है जरा देखिए, ये वाला जो बिंदु है सर, ये वाला जो बिंदु है ये आपका स्थिर होता है, ये फलक्रम हो गया, ये फलक्रम। अब आप बताओ मछली कहां लगी हुई है सर, मछली लगी हुई है देखिए यहां पर किनारे पर, हरा। तो ये हमारा क्या हो गया सर, ये लोड हो गया W, ये लोड हो गया। अब आपने अपनी ताकत कहां लगाई है, ताकत तो यहां लगा रहे हो ना सर, यहां पर, तो ताकत यहां लगा रहे हो, तो ये देखिए ये हमारा प्रयास P हो गया। तो जब बीच में प्रयास आता है, क्या भैया बीच में प्रयास आता है, तो याद रखिएगा बीच में आने वाला प्रयास ही हमारा थर्ड काइंड ऑफ लीवर होता है। ये देखिए रोटी बनाने वाला चिमटा, आपको पता है ये रोटी बनाने वाला जो चिमटा होता है, इसमें देखो ये किनारे पर क्या है सर, किनारे पर फलकम। आपकी गरम गरम रोटियां कहां लगी होती है सर, रोटियां तो यहां लगी होती है, ये देखिए है रोटियां यहां तो होती है ना रोटी, तो जब रोटी यहां है तो बताइए ये क्या हो जाएगा सर, सर ये रोटियां अगर यहां पर है मेरे दोस्त, तो यहां पर हमारा हो जाएगा भार। ले आपकी ताकत कहां लगाई जाती है सर, आपकी ताकत तो यहां लगाई जाती है, ये प्रयास भी। तो रोटी उठाने वाला जो चिमटा होता है, इसके अलावा फिशिंग रॉड जो होती है, बर्फ उठाने वाला जो चिमटा होता है, मेरे भाई ये सब के सब हमारे किसमें आते हैं, थर्ड काइंड ऑफ लीवर में आते हैं। ठीक है, जल्दी बताइए बात सबको क्लियर है ना। ठीक है चलो, अब बहुत सारे बच्चों को डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं पता चल रहा, मैं एक बार जल्दी जल्दी फटाफट रिविजन करा दूं। चलो अब इधर आइए, मान लीजिए आप कहोगे कि सर याद कैसे रहेगा, मैं बताता हूं याद कैसे करना है, सुनिए। जैसे कि आपको तीन तरह के लीवर याद करने हैं, प्रथम सेकंड और थर्ड, यही तो याद करना है ना आपको। अब कैसे याद करना मैं बता रहा हूं बच्चों, प्रथम श्रेणी के लीवर में ध्यान रखना, बीच वाला जो पॉइंट होता है वो फलक्रम होता है, बीच वाला पॉइंट फलक्रम। द्वितीय श्रेणी में बीच वाला जो पॉइंट होता है वो लोड होता है, हरा। और तृतीय श्रेणी में बीच वाला जो पॉइंट होता है वो प्रयास होता है, पी। अरे तो आप इसी तरह से याद कर लो, सबसे पहले वाले में फलक्रम, बीच वाले में सर लोड डब्लू, तीसरे वाले में प्रयास। तो एक लाइन बना लीजिए एफ डब्ल्यू पी, क्या लाइन बना लो एफ डब्ल्यू पी, बस एफ डब्ल्यू पी। बोलिए भाई याद हो जाएगा, तो एफ डब्ल्यू पी आपको याद हो रही है लाइन एफ डब्ल्यू पी, यस, पहले वाले में फलक्रम, दूसरे वाले में लोड। अब प्रश्न सुनो बच्चों, सबसे पहला प्रश्न जो है, अगर ये तुम्हारा फलक्रम है तो बच्चों लोड, लोड अगर यहां लगा है तो प्रयास कहां लगाओगे, डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन समझो बनाना, डायरेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे भी सवाल बनता है। तो अगर यहां लोड है तो आप मुझे बताओ ये लोड जो है इसको ऐसे नीचे की ओर घुमाना चाहेगा ना, ऐसे नीचे की ओर, लोड की डायरेक्शन नीचे की ओर, यानी इसको क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा। तो अगर आप संतुलित करना चाहते हो तो संतुलित करने के लिए हमें यहां प्रयास कैसा लगाना होगा ताकि ये इसको उठा सके, क्लॉकवाइज ना घुमा सके, तो यहां प्रयास की डायरेक्शन ये होनी चाहिए।
कुछ लोग कहेंगे प्रयास ऊपर क्यों लगा दो सर। अरे मेरे भाई प्रयास ऊपर लगा दोगे तो ऐसे घूम जाएगा ना, हमें घुमाना थोड़ी ना है, हमें तो बैलेंस करना है मेरे भाई। तो बैलेंस करने के लिए यहां पर प्रयास की डायरेक्शन ये होगी, दे दो, ताकि यहां एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बने और हमारी लीवर जो है बैलेंस हो जाए, हमारी लीवर क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। ठीक है, चलो अरे अब इधर आइए। अगर यहां पर हमारा किनारे पर बताइए क्या होता है सर, किनारे पर हमारा फलक्रम होता है एफ, बच्चों डब्ल्यू बीच में होता है सेकंड में, और हमेशा ध्यान रखना लोड की डायरेक्शन हमेशा नीचे होती है, लोड की डायरेक्शन हमेशा नीचे। अब आप बताओ यहां प्रयास कैसा लगाओगे, है तो मेरे भाई प्रयास ऐसा लगाना ताकि ये बैलेंस हो जाए। तो अगर आपने प्रयास नहीं लगाया तो लोड की वजह से ये ऐसे घूम जाएगा, ऐसे घूम जाएगा, लेकिन प्रयास लगा दो बैलेंस करने के लिए। बैलेंस करने का मतलब क्लॉकवाइज वाले मूवमेंट को एंटी क्लॉकवाइज बनाना है, तो एंटी क्लॉकवाइज बनाना है, ऐसे बनाना है, तो प्रयास की डायरेक्शन यहां ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है। चलो थर्ड में बताइए, थर्ड में मान लीजिए ये किनारे पर हमारा फलक्रम हो गया फिर से हरा। हमेशा इस बात को याद रखना, पहले लोड होता है फिर प्रयास होता है, तो लोड की डायरेक्शन नीचे, और आपको पता है कि लोड जो है उसको क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा ऐसे, लेकिन आप चाहते क्लॉकवाइज नहीं घूमे तो प्रयास कहां लगाना होगा सर, प्रयास की डायरेक्शन देख लो। ठीक है, जल्दी बताइए कमेंट करके, बात सबको क्लियर हुई नहीं क्लियर हुई यहां तक, यहां तक बात सबको क्लियर हुई नहीं क्लियर हुई, फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ। हरा आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, चलो तो अब वेर वो सवाल, यहां तक हम लोगों ने लीवर को समझ लिया, हमने सारे तरह के लीवर जान लिए है ना। अब मैं आप लोगों को उन सवालों से रूबरू कराता हूं जो ये वाले सवाल होते हैं। आप देख लो भाई मेरे, इसी तरह के सवाल हमारे प्रीवियस ईयर पूछे रहे और ये सवाल अभी तक यूट्यूब में किसी ने भी सॉल्व नहीं कराया। यूट्यूब छोड़ो, किसी की क्लास में किसी की एप्लीकेशन में भी ये सवाल नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये सवाल कभी एग्जाम में आते नहीं है। मैंने 2019 के जो 9 पेपर हुए थे उन्हीं में से क्वेश्चन लेके आया हूं। ठीक है, अब ये सवाल आप देखो, मैं भी वही सेम सवाल लेके आया हूं। अब इसी तरह के सवाल को सॉल्व करना मैं आपको सिखाता हूं कि ऐसे सवाल सॉल्व किए जाते हैं तो कैसे सॉल्व किए जाते हैं ना। उसके लिए आप लोगों को यहां से शुरुआत करनी पड़ेगी, पहले मूवमेंट को समझना पड़ेगा मेरे भाई कि मूवमेंट क्या होता है, आघूर्ण क्या होता है। ठीक है, चलो बताइए, सबसे पहले आघूर्ण सुनिए, आघूर्ण क्या है। जैसे कि मान लीजिए मैं आपके सामने ये कोई भी बॉडी बना रहा हूं, हरा मेरे पास कोई भी बॉडी है, मुझे नहीं पता कौन सी है, लेकिन मान लीजिए कोई बॉडी है और इस बॉडी का एक मैंने स्थिर बिंदु बना दिया सर। ये स्थिर बिंदु मेरे पास, मान लीजिए ये स्थिर बिंदु ओ है, हालांकि इसी स्थिर बिंदु को हम लोग फलक्रम कहते हैं, है ना। अब आप मुझे ये बताओ, अगर ये स्थिर बिंदु फलक्रम है तो आप यहां पर किसी भी तरह का कोई लोड लगा दो एफ, है ना, कोई लोड एफ लगा दो, तो आप जल्दी से कमेंट करके बताओ ये लोड एफ इस बॉडी को क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा कि एंटी क्लॉकवाइज, बताइए ये लोड एफ इस बॉडी को क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा कि एंटी क्लॉकवाइज। सबसे पहले आप ये बताएंगे, ये दूरी आर है ना, तो पहले आप लोग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का एग्जांपल दीजिए। तो कहना सबसे पहले आप देखो ये स्थिर बिंदु है, तो आप अपना हाथ को प्रताल समझो और प्रताल को ऐसे स्थिर बिंदु पर बना लो और ऐसे घुमाइए, लेकिन घुमाना आपको हमेशा बल की दिशा में। तो मेरे भाई जैसे ही बल की दिशा में घुमाओगे ऐसे, तो साफ साफ पता चल रहा है कि ये मूवमेंट हमारा क्लॉकवाइज है। ठीक है, अब दूसरी बात, जब भी कभी तुमसे मूवमेंट यानी आघूर्ण का फॉर्मूला पूछा जाए कि बताइए आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, तो कहना मूवमेंट एफ बराबर होता है एफ इंटू आर, बल इंटू बिंदु से बल की दूरी, एफ बराबर एम बराबर एम बराबर एफ इंटू आर, ये हमारा आघूर्ण होता है। ठीक है, आघूर्ण ध्यान रखना एक तरह की कैसी राशि है मेरे भाई सर, आघूर्ण एक तरह की सदिश राशि है, सदिश। ओके,
और याद ये रखना है कि आघूर्ण का मात्रक क्या होता है। सर आघूर्ण का मात्रक होता है न्यूटन मीटर। चलो अब डेफिनेशन भी अगर पढ़ लेते ना, जब किसी पिंड को किसी बिंदु के पड़ता घुमाने का प्रभाव आघूर्ण कहलाता है, घुमाने का इफेक्ट आघूर्ण कहलाता है। किसी बिंदु के पड़ता किसी बल का आघूर्ण बल इंटू बिंदु से दूरी के गुणनफल को कहते हैं। ठीक है, जल्दी से एक बार कमेंट करके फटाफट बताएंगे, यहां तक बात सबको क्लियर हो गई। अब मैं आपसे एक दो एग्जांपल पूछूंगा तभी सवाल में आऊंगा, डायरेक्ट नहीं सवाल कूदूंगा। पहले एग्जांपल सुनिए, देखो जैसे कि मान लीजिए फिर से मैंने आपके सामने एक रॉड बनाते दिखाई, ये रॉड मीटर स्केल कहलाती है और इस रॉड का स्थिर बिंदु मैंने ये दे दिया। सर ये स्थिर बिंदु हो गया, मैंने यहां ढेर सारे बल लगाए, पहला बल मैंने लगाया F1, दूसरा बल मैंने यहां लगाया F2, तीसरा बल मैंने यहां लगाया F3, डायरेक्शन देखते रहिएगा, और चौथा बल मैंने यहां लगाया F4। सबको दिखाई दे रहा है? सर मोमेंट और टॉर्क सेम होता है? बिल्कुल भी नहीं सेम होता। मोमेंट में सिंगल फोर्स होता है और टॉर्क में दो फोर्स होते हैं, है ना। तो पहले आप मुझे ये बताओ, आप सब लोगों को मेरे भाई F1, F2, F3, F4 इनकी डायरेक्शन दिखाई दे रही है नहीं दिखाई दे रही? जल्दी से कमेंट करके बताओ। ठीक है, अप्रोक्स सेम नहीं होता जिज्ञासा भाई। मूवमेंट में सिर्फ सिंगल फोर्स आता है और जब हम लोग बलाघूर यानी टॉर्क की बात करते हैं तो वहां पर दो फोर्स आते हैं। जब दो अपोजिट डायरेक्शन के फोर्स परंतु मैग्नीट्यूड में इक्वल पैरेलल होते हैं तब वहां पर जनरेट होता है तुम्हारा टॉर्क। बोतल को घुमाने के लिए दो फिंगर का इस्तेमाल होता है इसीलिए वहां टॉर्क आएगा। चाबी को घुमाने के लिए दो फिंगर का इस्तेमाल होता है वहां टॉर्क आएगा। ठीक है, मेरा सवाल बस इतना है कि ये जो F1 F2 F4 है ये कैसे मूवमेंट देंगे, यानी डायरेक्शन क्या है इनकी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है कि एंटी क्लॉकवाइज है? बस आप मुझे ये बता दो, जल्दी से मुझे बता दो इनकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, हरा। तो कहना F1 को जरा देखो, प्रकार की नोट यहां रखिए ऐसे घुमाइए, फिर F4 को देखो, F3 को देखो, F2 को देखो, कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपको बताना है कि इनमें से F1 F2 F3 इनकी डायरेक्शन क्या है, हरा। तो मेरे भाई F1 को जरा गौर से देखिए कैसे डायरेक्शन है। तो F1 घुमाएगा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज देख लो हरा। फिर F2 कैसा घुमाएगा? तो सर पेटाल की नोट यहां रखते ऐसे घुमाओगे ना, ऐसे ऐसे है ना, तो ऐसे घुमाओगे ऐसे ऐसे। तो F2 कैसा घुमाएगा? सर F2 घुमाएगा तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। चलो अब इसके बाद बताइए F3 कैसा घुमाएगा? F3 ये तो F3 देखो ऐसे, और F3 ऊपर है तो पेटाल की नोट रखते देखना है आपको, ऐसे ऐसे हरा। तो मेरे भाई जब ये ऐसे जाएगा तो ऐसे घूम के क्लॉकवाइज ही तो बनाएगा, तो F3 जो आएगा बच्चों वो आएगा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज हरा। और F4 की बात करते हैं, F4 कैसा आएगा? F4 ऐसे ऐसे डायरेक्शन बनाइए, तो उल्टा घूम रहा है, तो F4 बताइए कैसा आएगा? सर F4 हमारा आएगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो आप सब लोग ये बताओ, आप सब लोगों को डायरेक्शन निकालना आ गई नहीं आई? क्योंकि डायरेक्ट मैं नहीं चाहता कि आप सवाल सॉल्व करो, पहले आप डायरेक्शन सीख लो, डायरेक्शन निकालना सबकी आ गई है। अब होता क्या है कि जब आपको मीटर स्केल पढ़ना होता है तो मीटर स्केल पढ़ने से पहले आप लोगों को एक सिद्धांत पढ़ना होगा, वो होगा आघूर्णों का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, है ना। अब प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स क्या होता है, इसी पर सवाल बने थे पिछली बार कई सारे बड़े बड़े। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपके सामने इस तरह से रॉड बनाने दिखाई, ओके, रॉड के साथ मैंने ये कहा ये हमारा फल्क्रम हो गया F, ये फल्क्रम F हो गया, एक लोड F1 लगाया ऐसे जिसकी दूरी यहां से लेकर यहां तक R1 है, इसकी दूरी R1 है ना, एक लोड ऐसे लगाया F2, इसकी दूरी हमारी क्या है? सर इसकी दूरी जो है वो मैंने R2 मान ली, R2 है। सर एक लोड मैंने यहां लगाया ऐसे ऐसे, सर इस लोड को मैंने क्या बोला? सर इस लोड को मैंने बोला F3,
और इनकी दूरी मैंने मान ली, इसकी दूरी मान ली फलक्रम से R3। तो मेरे भाई होता क्या है सर, आघूर्णों का सिद्धांत ये कहता है कि क्लॉकवाइज वाले मूवमेंट एक तरफ लिखिए और एंटी क्लॉकवाइज वाले मूवमेंट एक तरफ लिखिए, है ना। तो आघूर्णों का सिद्धांत ये कहेगा कि क्लॉकवाइज वाले मूवमेंट एक तरफ लिखो और उनका योगफल कर देना, और एंटी क्लॉकवाइज वाले मूवमेंट एक तरफ लिखिए उनका योगफल कर देना, बस ये है आघूर्णों का सिद्धांत। किसी भी बॉडी के संतुलन के लिए, यानी इसके संतुलन के लिए क्लॉकवाइज वाले मूवमेंट एक तरफ, एंटी क्लॉकवाइज वाले मूवमेंट एक तरफ, है ना। चलो अब आप ये बताओ कौन सा मूवमेंट कैसा देगा। वैल्यू भी, वैल्यू क्या होती है, बल इंटू दूरी। एफ वन कैसा मूवमेंट देगा बताइए, एफ वन कैसा मूवमेंट देगा। तो मेरे भाई अगर मैं यहां पर चर्चा करता हूं कि मेरे दोस्त ये एफ वन कैसा दे रहा, एफ वन तो एफ वन दे रहा ऐसे क्लॉकवाइज, है ना। एफ टू कैसा दे रहा, एंटी क्लॉकवाइज। एफ थ्री कैसा दे रहा, ऐसे 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 एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो आप देखो कौन क्लॉकवाइज दे रहा है कि कौन एंटी क्लॉकवाइज। तो कहना एफ वन क्लॉकवाइज दे रहा है तो F1 का मूवमेंट हो जाएगा F1 into R, एक तरफ लिख लीजिए, बराबर F1 into R1, बराबर F2 एंटी क्लॉकवाइज दे रहा है, एंटी क्लॉकवाइज तो F2 एंटी क्लॉकवाइज दे रहा है तो F2 into R2, है ना। और मेरे भाई ये F3 भी तो एंटी क्लॉकवाइज दे रहा है, F3 भी एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस बताइए क्या हो जाएगा, F3 into R3। तो कुछ नहीं करना होता, आघूर्णों का सिद्धांत एकदम सिंपल है। सिद्धांत ये कहता है कि क्लॉकवाइज वाले मूवमेंट एक तरफ और एंटी क्लॉकवाइज वाले मूवमेंट एक तरफ। बताइए भाई बात सबको क्लियर है, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है, फटाफट बताइए। चलो अब हम लोग फाइनली उन सवालों को सॉल्व करना शुरू करते हैं जो हमारे एग्जाम की नीड है, है ना। और एक चीज और पढ़ लो बस जल्दी से, क्योंकि पिछली बार जितने भी सवाल आए थे मैं एक बार फिर से दिखा दूं, आप लोग ये सवाल देख पा रहे हो, यहां पर एक लाइन लिखी हुई है, एक समान मीटर स्टेल, देख रहे हैं ना, एक समान मीटर स्टेल। यही सवाल नहीं, और भी बहुत सारे सवाल आए थे जो मीटर स्टेल के थे, मैं तो मान लीजिए थोड़े ही एक ही दो लेके आया हूं, है ना। जैसे कि ये वाला देखिए, सीसा झूले का सवाल, है ना, एक समान मीटर स्टेल, देख रहे हैं ना। तो ये सब सवाल मैं आपको अभी सॉल्व करना सिखा देता हूं कि ये सवाल कैसे सॉल्व होते। तो आपको मीटर स्टेल पता होना चाहिए ना, मीटर स्टेल एक्चुअली में होती क्या है। चलो पहले आप समझो मीटर स्टेल क्या है। देखो भाई जब भी कभी आप रेलवे में जाइए तो रेलवे में वजन उठाने के लिए मीटर स्टेल लगी होती है, है ना। बच्चों मीटर स्टेल में क्या होता है, एक लंबी सी रॉड होती है, और ये लंबी सी रॉड की पूरी लंबाई कितनी होती है सर, लंबी सी रॉड की पूरी लंबाई 100 सेंटीमीटर होती है या फिर मेरे भाई 8 मीटर होती है। इस पूरी सी रॉड की लंबाई 100 सेंटीमीटर या 8 मीटर होती है, लेकिन जब पैमाने बने होते हैं ना, दीपक कह रहा है सर आप मुस्कुराते रहिए, अच्छा ठीक है यार, इतना प्यार तो मेरी बीबी भी नहीं करती होगी यार जितना तुम लोग मुझसे डरते हो, क्या बात है। मतलब तुम लोगों को एहसास हो गया कि कहीं ना कहीं आज मैं मुस्कुरा नहीं रहा हूं, ठीक है कोई बात नहीं। चलो तो ये बताइए, ये हमारा जीरो, हमें क्या करना है, 100 सेंटीमीटर के 10 इक्वल पार्ट करने होते हैं। तो जीरो ये 10 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर, ये 40, ये 50, ये 60, ये 70, मेरे भाई ये 80, ये 90, और लास्ट वाला बताइए कितना हो जाएगा, 100। तो बच्चों मेरे मीटर स्केल में टोटल लंबाई 100 सेंटीमीटर होती है, और याद रखना इस मीटर स्केल का जो खुद का वजन होता है, अरे भाई मीटर स्टेल का खुद का वजन भी तो होगा, तो इसका खुद का वजन हमेशा बीचों बीच काम करता है। बीचों बीच का मतलब यह है कि खुद का वजन काम करता है इस 50 सेंटीमीटर पे। अगर तो पूछे खुद का वजन कहां काम करता है, तो खुद का वजन W काम करता है इस 50 पे, यानी ठीक बीचों बीच, ठीक है क्लियर है। तो आप पहले मुझे यह बताओ जरा, यह बात सबको क्लियर हुई नहीं क्लियर हुई है। चलो अब मैं आपको वो सवाल सॉल्व कराता हूं जो पिछली बार आया, अभी मैंने दिखाया है, है ना। जैसे कि ये पहला वाला सवाल देखिए, ये वाले सवाल ना काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, कैसे लगाए जाते हैं मैं आपको बताता हूं। पहले मैं ये वाला सवाल सॉल्व कराता हूं, हा
चलो सबसे पहले आप ये वाला सवाल सॉल्व कीजिए। देखिए बच्चों आपके सामने एक सवाल लिखा हुआ है और इस सवाल को सॉल्व करते हैं और देखते हैं सवाल कैसे लगेगा। ध्यान से देखिएगा सवाल क्या बोला जा रहा है। एक समान मीटर स्केल का वजन 50 ग्राम है। अरे जैसे कि मान लीजिए मैंने मीटर स्केल बताई आपको, मैंने कई बार बताया है कि मीटर स्केल में जीरो से शुरुआत होगी। ये देखिए ये जीरो और लास्ट में क्या होगा 100। और आप बताइए बीच में निशान कौन सा होगा? सर बीच वाला जो निशान होगा वो 50 होगा। ये बात सबको क्लियर है ना? एक समान मीटर स्केल का वजन 50 ग्राम है, यानी इसका वजन 50 ग्राम है तो 50 ग्राम तो ठीक बीचों बीच काम करेगा ना 50 ग्राम। ओके फिर देखिए क्या है, यह 70 सेंटीमीटर के निशान पर है। अच्छा 70 सेंटीमीटर के निशान पर पिवेट है। पिवेट का मतलब होता है टिका हुआ है। लेकिन ये कितने निशान पे टिका हुआ है? सर 70 सेंटीमीटर के निशान पे टिका हुआ है। तो 70 सेंटीमीटर का निशान बना लो पहले तो, और जब 70 सेंटीमीटर का निशान बनाया तो इस पर ये पिवेट है। पिवेट का मतलब ये बिंदु स्थिर बिंदु हो जाएगा। ठीक है फिर आगे देखिए, फिर लिखा है 40 ग्राम का द्रव्यमान, 40 ग्राम का द्रव्यमान कहां रखा जाना चाहिए ताकि पैमाना संतुलन में रहे? सर 40 ग्राम का द्रव्यमान कहां रखा जाना चाहिए ताकि पैमाना संतुलन में रहे? अब आप ये मुझे बताओ 40 ग्राम का द्रव्यमान, 40 ग्राम का द्रव्यमान इस स्थिर बिंदु के राइट साइड होना चाहिए कि लेफ्ट साइड होना चाहिए? तो कहना अगर आप इसके लेफ्ट साइड लगा दोगे तब तो ये घूम जाएगा ना, है कहां होना चाहिए? राइट साइड होना चाहिए। तो राइट साइड होना चाहिए। तो राइट साइड जो है मान लीजिए हमने कहा ये 40 ग्राम का हमारा द्रव्यमान हो गया। ले आपको निशान बताना, निशान तो निशान हम बाद में बताएंगे, पहले ऐसा मान लेते हैं कि यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है, सर ये दूरी हमारी x है, ऐसा मान लिया। और आपको पता है कि ये दूरी x है, इसके साथ साथ ये दूरी कितनी हो जाएगी? ये दूरी तो 70 का निशान ये, 50 का निशान ये, तो ये निशान 20, ये दूरी 20। चलो अब तो आंसर निकाल लोगे, कुछ नहीं करना। क्लॉकवाइज वाला मूवमेंट बराबर एंटी क्लॉकवाइज वाला मूवमेंट, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बराबर कर दो। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट कितना हो जाएगा? 40 गुणे x द्रव्यमान गुणे दूरी बराबर 50 गुणे 20। आप मुझे बताओ यहां से x बराबर कितना निकलेगा? सर x बराबर निकलेगा 25 सेंटीमीटर निकलाया। सर क्या मतलब हुआ 25 सेंटीमीटर का? 25 सेंटीमीटर का मतलब यह हुआ कि सर यह हमारा 70 था, 25 और आगे आना है, तो बताइए निशान कितने वाला मिलेगा? सर निशान मिलेगा 95 सेंटीमीटर वाला। हरा निशान मिलेगा हमें 95 सेंटीमीटर वाला। तो इस सवाल का जो सही आंसर जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए कि निशान हमें मिलेगा 95 सेंटीमीटर वाला। बलाई भाई ये बुक आपकी, ये सारी किताब इधर रखी है, मैं आपको ये दिखा भी दूंगा, एक मिनट है ना, मैं किताब उठा के दिखा दे रहा हूं बच्चों। बेसिक साइंस क्या किताब उठा लो, जब मेरी बन बेसिक साइंस पे मैंने एक ऐसी किताब बना रखी है, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैंने उस किताब में डाल रखे, सिंगल कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ा है। ठीक है चलो एक और सवाल सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, जरा ये वाला सवाल लगाइए, ये वाला सवाल लगाइए। ठीक है प्रश्न देखिए, एक समान पैमाने, अब ये कई बार क्या होता है कि ये वजन की वैल्यू दो दो तीन तीन दे देते हैं। एक समान मीटर पैमाने का वजन 75 ग्राम है, 75 ग्राम वजन है, तो मेरे भाई अगर ये जीरो है 10 20 30 40 50 50, तो आप मुझे बताओ वजन जो है इसका कितना है? सर वजन 75 ग्राम है तो 75 ग्राम जो काम करेगा वो 50 वाले पे काम करेगा, बोलिए काम करेगा? तो मेरे भाई ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट मैं कहीं और से नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं अपनी किताब से ही पढ़ा रहा हूं, है ना। अगर आपने अभी तक ये सारा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है तो मैं आपको देखिए दिखा भी देता हूं, इसलिए मैंने ये किताब बना रखी है जिसमें मैंने पूरा का पूरा थ्योरी बेसिक साइंस इंडियन ड्रॉइंग की, देखिए शायद आपको नजर भी आ जाए, दिखाई दे रहा है? एक बार थोड़ा कमेंट करके बता दो आप सब लोगों को, ये किताब में जो दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा होगा डायग्राम बना हुआ, अरे ये डायग्राम, तो ये सब कुछ मैंने अपनी किताब में, ये सारे के सारे क्वेश्चन इसकी बढ़िया से प्रैक्टिस ये सब अपनी किताब में डाल रखे। तो जो भी इस किताब को ऑर्डर करना चाह रहे हैं नीचे नंबर भी आ रहा होगा, या फिर एक नंबर नोट डाउन कर लीजिए 6393125760, हरा, या फिर आपके कमेंट बॉक्स में एक लिंक आ जाएगी, उस लिंक पर क्लिक करके आप ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है चलो सवाल देखिए,
एक समान मीटर स्केल का वजन 75 ग्राम है, मैंने 50 सेंटीमीटर पे 75 ग्राम लगा दिया। फिर आगे लिखा है इसे 75 के निशान पे ही टिटाया गया है, यानी टिटाया भी गया है इसे 75 के निशान पे। ये देखो 75 के निशान पे टिटाया गया। तो भैया इस वजन का कोई लेना देना नहीं हो रहा, इस वजन का कोई लेना देना नहीं हो रहा, टोटी टिटाया भी 50 के निशान पे है। फिर 40 ग्राम का एक द्रव्यमान 20 सेंटीमीटर के निशान पे, ये देखिए 20 सेंटीमीटर का ये निशान हो गया, इस पर 40 ग्राम का द्रव्यमान काम कर रहा है ऐसे। आगे देखिए 50 ग्राम का एक और द्रव्यमान 90 सेंटीमीटर के निशान पे, 90 सेंटीमीटर के निशान पे 50 ग्राम का द्रव्यमान काम किया ऐसे। फिर देखिए 20 ग्राम का एक अन्य द्रव्यमान कहां रखा जाना चाहिए, 20 ग्राम का एक अन्य द्रव्यमान कहां रखा जाना चाहिए ताकि पैमाना संतुलन में हो जाए। अभी हमें 20 ग्राम का द्रव्यमान कह सकते हो रखना है। तो सबसे पहले ये देखिए टिटाया दिया है 50 पे, वजन भी 75, तो इस वजन से कोई लेना देना नहीं हो रहा, यह कोई मूवमेंट नहीं दे रहा, क्योंकि उसी बिंदु पर है जिस बिंदु पर आपका फल्क्रम है टिटाया गया है। अब आप ये बताओ मूवमेंट किस तरफ का ज्यादा है, हरा? तो आप कहना, आप ये देखो याली दूरी कितनी है सर, सर ये दूरी है 30 सेंटीमीटर, 50 माइनस 20, चलो ये वाली दूरी बताइए कितनी है सर, ये वाली दूरी बताइए, 90 में से 50 जा रहा 40 सेंटीमीटर। अब जल्दी से आप मूवमेंट बनाते दिखाइए सर, 50 ग्राम का मूवमेंट ऐसे 50 गुड़े 40, चलो यहां का मूवमेंट बनाते दिखाइए ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, यहां का मूवमेंट हो जाएगा 40 गुड़े 30। सर यहां का मूवमेंट आया 2000 और यहां का मूवमेंट आया है 1200, तो क्या 2000 और 1200 आपस में बराबर है? नहीं सर, अगर हमें बराबर करना है तो हमें 20 ग्राम का एक और वजन भी लगाना होगा, तो 20 ग्राम का एक और वजन इस तरफ लगेगा, इस तरफ लगेगा, कितनी दूरी पर लगेगा वो दूरी हमने एक्स मान ली, ठीक है, इसीलिए यहां पर हमें 20 इंटू एक्स और जोड़ना होगा। अब आप एक काम करो, यहां से सोल्व करके पहले एक्स निकाल लो, तो ये 2000, ये 1200, 800 वो आ जाएगा 800, 800 बटे 20, सर 800 में से अगर 0 जाएगा 80, 2 40, तो बच्चों एक्स बराबर आ जाएगा 40, एक्स बराबर 40 आ गया। सर एक्स बराबर 40 का मतलब क्या है, ये दूरी 40 हो रही मेरे भाई, अगर ये दूरी 40 हो रही तो निशान जो होगा सर, निशान कहां पर होगा, निशान होगा 10 सेंटीमीटर पे, निशान होगा तुम्हारा कहां पर, 10 सेंटीमीटर पे, अगर ये दूरी 40 हुई तो, ठीक है, चलो समझे ना। ऐसे ही एक दो सवाल नहीं, बहुत सारे सवाल पिछली बार पूछे रहे थे ना, अब ये सवाल आपको दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा, ये भी देखिए एक बार कमेंट करके बताओ ये सवाल आपको दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा, हरा? और नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं एक बार जल्दी से डायग्राम बना के भी दिखा देता हूं सवाल क्या है, आप जब आंसर निकालोगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि सवाल क्या था। देखो निशान यह है कि 30 किलोग्राम और 15 किलोग्राम के दो बच्चे शीशा झूले के एक तरफ, एक और अच्छा एक शीशा झूले की बात की जा रही है, देखो शीशा झूला मैंने बना दिया ऐसे, शीशा झूले में दो बच्चे हैं, एक 30 किलोग्राम वजन वाला बच्चा है और दूसरा बच्चा है 15 किलोग्राम वजन वाला, ठीक है, 30 किलोग्राम जो वजन है उसकी दूरी यहां से यहां तक कितनी है, 30 किलोग्राम वाले वजन की दूरी सर 8 मीटर है, 8 मीटर, और 15 किलोग्राम जो वजन है जिसका, उसकी दूरी दी गई है 1.2 मीटर, ये 1.2 मीटर है। एम किलोग्राम का एक लड़का झूले के दूसरी ओर, कैपिटल एम किलोग्राम का एक लड़का झूले के दूसरी ओर आलंब से 1.2 मीटर की दूरी पर लटकाया जाता है, बैठाया जाता है 1.2 मीटर। तो बताइए कैपिटल एम का मान कितना है, कैपिटल एम का मान तुमसे पूछ रहा है कि बताइए कैपिटल एम का मान कितना है। अरे कोई नहीं, मैंने डायग्राम तो बना दिया ना, है मैंने डायग्राम तो बना दिया मेरे भाई, ठीक है अब तो लगा लो यार, अब तो लगा लो। चलो तो क्या ना हो रहे, 30 गुड़े 1 हो रहा प्लस, ये क्लॉकवाइज है ऐसे, 15 गुड़े 1.2 बराबर याद कितना हो जाएगा, एम गुड़े 1.2, ठीक है बताइए आंसर, सॉल्व कीजिए।
तो मेरे भाई अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊं तो 15 गुणे 12 कितना होता है सर? 15 गुणे 12 18, 18 गुणे 30, 18 प्लस 30 48, यानी m बराबर आ जाएगा 48 डिवाइड बाई 1.2। ठीक है, अब आप बताओ 48 डिवाइड बाई 1.2, 12 चुट 48, सर 40 किलोग्राम आंसर आ जाएगा इसका। अब ये देख, आंसर तो तुम्हें दिखाई दे रहा हो ना 40 किलोग्राम है, आंसर तो दिखाई दे रहा हो ना 40 किलोग्राम, देख लो ना यार, समझे ना? बोलो भैया, समझे कि नहीं समझे? अरे ये वाला सवाल अभी मैंने 95 सेंटीमीटर निशान वाला अभी सॉल्व ही करा दिया आप लोगों को। अरे और भी सवाल है जो धीरे धीरे हम लोग अपनी क्लास में पूरा सॉल्व कर लेंगे। मैं फिर से बता दूं, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट लीवर वाले का एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंस सकते हैं, वो सारा कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया। अरे मैं फिर से आप लोगों को एक बार बता दूं बच्चों, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग की मैंने ऐसी बुक बना रखी, तुम चाहे कहीं से भी पढ़ लो, चाहे मैग्नेट हो चाहे रेल राजा हो, कहीं से कुछ भी पढ़ लो, लेकिन बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग आपको यहीं से पढ़नी होगी। मैं फिर से बता दूं, इससे बेहतरीन कंटेंट आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ये किताब ऑर्डर करने के लिए एक नंबर लिख लीजिए 63-93-125-760, आप इस नंबर पर फोन करके कह सकते हो किताब को ऑर्डर कर सकते हैं। मेरे भाई अगर आप कंप्लीट बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का बैच ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो वो बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का बैच आपको माई पाठशाला एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, तो आप प्ले स्टोर से माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, माई पाठशाला। तो जब आप माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो वहां पर 499 में ये कंप्लीट बैच है बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का। लेकिन इसमें डिस्काउंट के लिए आपको एक कोड लगाना होगा UD10, है ना, या फिर मैं एक नंबर दिए देता हूं 63-93-125-760, आप इस नंबर पे फोन करके भी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, 40 नंबर नहीं आर राजकुमार, 50 नंबर पक्के, सिलेबस चेंज हो चुका है, अब बेसिक साइंस 50 नंबर का आने वाला है। बच्चा अभी ये जो बुक है वो हिंदी में है, लेकिन 1 हफ्ते बाद ये बुक इंग्लिश में भी आ जाएगी, 8 हफ्ते या 10 दिन बाद। ठीक है, तो लिंक आपके सामने आ गया। बाकी सारे के सारे बच्चे मुझे इस क्लास में कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये क्लास कैसी लगी। हरा, और इसके अलावा अभी ALP टेक्नीशियन का CBT 1 और CBT 2 का कंप्लीट फाउंडेशन बैच, जिसमें CBT 1 और CBT 2 के सारे सब्जेक्ट ट्रेड और बेसिक साइंस मिला के, वो अभी ऑफर में चल रहा है 600 में। तो ये भी आप लोगों को बैच कहां पर मिलेगा सर? ये बैच भी आपको देखने को मिलेगा माई पाठशाला ऐप पर। तो माई पाठशाला ऐप को डाउनलोड करके आप कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो सारे के सारे बच्चे आज के वीडियो में मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये क्लास कैसी लगी, कैसा लगा लीवर का कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट सीखने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लीजिए लीवर के, फिर बताइए कि आपके लीवर के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या फिर नहीं। और लीवर के क्वेश्चन सॉल्व हो गए तो नीचे एक बार छोटा सा कमेंट जरूर कर देना कि सर हाँ मुझे समझ में आ गया, बहुत सही, मजा आ गया। ओके, चलो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।